हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू स्टफिंग वाला मसाला पाव, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के कर लेते हैं रेसिपी स्टार्ट। तो सबसे पहले ऑयल ले लेना है, ऑयल को गर्म होने देंगे, उसके बाद उसमें डाल देंगे राई डाल दिया गाइस। उसके बाद मैंने उसमें कड़ी पत्ता डाल दिया। उसके बाद उसमें मैं डालने वाली हूँ ग्रीन मिर्ची। मैंने 2-3 ग्रीन मिर्ची ली है, उसको छोटे टुकड़े में कट कर लिया और ग्रीन मिर्ची इसमें डाल दिए गाइस। इसके बाद इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, और ये मिक्स हो गया गाइस। इसके बाद इसमें डाल देना है अपने को आलू। मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और फिर इस तरह थोड़ा मैश कर लिया एकदम। फिर वो आलू इसमें डाल देना है और फिर इसको कर लेना अच्छे से मिक्स, ताकि ये अच्छे से ऑयल में मिक्स हो जाए। बस इसी तरह अपने को कर लेना है आराम से मिक्स, और ये मिक्स हो गया गाइस, देख सकते हो आप। अभी इसके बाद इसमें डाल देना है अपने को हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको वापस अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि हल्दी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। देख सकते हो हल्दी मिक्स हो गई है। उसके बाद उसमें डाल देना है नमक। नमक डाल दिया गाइस। उसके बाद इसको भी वापस अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसको थोड़ी देर से पकाने देंगे। देख सकते हो गाइस, आलू की स्टफिंग रेडी हो गई। उसके बाद ऊपर से मैंने थोड़ा सा कोथिंबीर डाल दिया। कोथिंबीर डालने के बाद उसको वापस कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अभी मैंने लिया है बेसन। बेसन में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है गाइस, और उसमें डाल दिया ना थोड़ा सा नमक। फिर इसमें डाल देंगे पानी, और थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाला है, और फिर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है गाइस, और इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, याद रखना। लम्स जो भी रहेगा उसको तोड़ देना, और फिर एकदम बैटर को एकदम स्मूथ बना देना। देख सकते हो गाइस, मेरा बैटर पूरा अच्छे से स्मूथ बन गया है। आप देख सकते हो इसमें एक भी लम्स नहीं है। अभी मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को गर्म होने देंगे। देख सकते हो गाइस, ऑयल हो गया मेरा। ऑयल ले लेना है, ऑयल ज़्यादा मात्रा में लेना है। उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन मिर्ची डाल दी है, और ग्रीन मिर्ची को मैं फ्राई कर ली हूँ, ताकि मसाला पाव के साथ ग्रीन मिर्ची खाओगे तो खाने में बहुत ही आपको मज़ा आएगा। बस ऑयल में ग्रीन मिर्ची अपने को फ्राई कर लेनी है। देख सकते हो गाइस, फ्राई हो गई है मिर्ची, हमारा कलर मिर्ची का चेंज हो गया। अभी इसके ऊपर हल्का सा नमक छिड़क देना है, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही मज़ा आएगा खाने में आप लोगों को। फिर अपने हाथों से, हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। अभी चलो, बैटर हमने बेसन का तैयार किया था, वो गरम तेल में डाल देते हैं, और बस इसी तरह गैस की फ्लेम को लो रख के अपने को ये बैटर इस तरह डाल देना है। देख सकते हो गाइस, ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, और अभी इसको भी निकाल देंगे साइड में एक प्लेट में। और ये वड़ा पाव के साथ में मिलता है ना चूरा, वो चूरा हम लोग ने बना दिया है। अभी मैंने पाव लिया है, पाव को इस तरह बीच में से कट कर लेना है। और अभी इसमें हम डालने वाले आलू वाली स्टफिंग, जो कि हम लोग ने आलू की बनाई थी, वो आलू की स्टफिंग इसमें डाल देनी है। देख सकते हो, इसी तरह अपने को चम्मच के हेल्प से इसको स्प्रेड कर देना है। और इसमें ऑयल भी बहुत कम लगता है गाइस, वड़ा पाव में बहुत ऑयल वड़े में यूज़ होता है, इसमें ऑयल भी नहीं जाएगा आपको, और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और फिर मैंने थोड़ा सा चूरा अंदर डाल दिया है स्टफिंग के साथ में, और फिर थोड़ा सा चूरा आप सर्व करते समय डाल दूँगी तो मज़ा आएगा। और फिर डाल देनी है थोड़ी सी 2 मिर्ची, मैंने डाल दी तली थी वो, और ये हमारा मसाला पाव रेडी हो गया। थैंक यू।